मनुष्य में हिलोरें लेता चुंबकीय महासागर। सृष्टा ने मानवी काया में बीज रूप में वे सभी तत्व, पदार्थ, वैभव, पराक्रम एवं क्षमताएं भर दी हैं जो विश्व ब्रह्मांड के जड़ पदार्थों तथा चेतन प्राणियों में कहीं भी देखे पाए जा सकते हैं। वह स्वयं में एक चलता फिरता चुंबक है। उसकी विलक्षण काय संरचना को एक अच्छा खासा बिजली घर कह सकते हैं, जिससे उसकी अपनी मशीन चलती और जिंदगी की गुजर बसर होती है। इसके अतिरिक्त वह दूसरों को प्रकाशित करने से लेकर भले बुरे अनुदान दे सकने में भी भली प्रकार सफल होता रहता है। चुंबक होने के नाते वह जहां प्रभावित करता है, वहां स्वयं भी अन्यान्यों से आकर्षित किया और दबाया घसीटा जाता रहता है। मानवी चुंबकत्व का स्रोत ढूंढने वालों ने अभी इतना ही जाना है कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यह अनुदान उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे कि धरती सूर्य से। ब्रह्मांड व्यापी चुंबकत्व से भी उसका आदान प्रदान चलता रहता है। इस ऊर्जा की मात्रा में न्यूनाधिकता होने तथा सदुपयोग दुरुपयोग करने से वह आए दिन लाभ हानि उठाता रहता है। अच्छा हो इस संबंध में अधिक जाना जाए और सफलतापूर्वक हानि से बचने तथा लाभ उठाने में तत्पर रहा जाए। मनुष्य का मैग्नेट घटता बढ़ता रहता है। इसकी अल्पता से आंखों का विशेष आकर्षण समाप्त हो जाता है। शरीर रूखा, नीरस, कुरूप, निस्तेज, शिथिल सा दिखाई पड़ने लगता है। साथ ही मनुष्य को विस्मृति, भ्रांति, थकान जैसी अनुभूति होती है, जबकि चुंबकत्व के आधिक्य से वह आकर्षक, मोहक एवं सुंदर लगने लगता है। उसकी प्रतिभा, स्मृति, स्फूर्ति जैसी विशेषताएं उभरी हुई प्रतीत होती हैं। सत्संग और कुसंग के परिणाम भी व्यक्ति की निजी प्राण ऊर्जा की न्यूनाधिकता के सहारे ही संभव होते हैं। बढ़े हुए चुंबकत्व वाला अपने से हल्के वालों को प्रभावित करने में सफल रहता है। साथ ही यह बात भी है कि उससे बड़े स्तर की प्रतिभा उसे अपनी पकड़ में कस लेती है। इतने पर भी कुछ मनस्वी ऐसे होते हैं जो आत्मबल पर दृढ़ रहते हैं, आदान प्रदान तो करते हैं किंतु अनिवार्य रूप से किसी किसी से भी प्रभावित नहीं होते। अंतरिक्ष में संव्याप्त भले बुरे अनुदानों को मनुष्य अपने चुंबकत्व द्वारा ही स्वीकार अस्वीकार करता है। इस शक्ति का ऊर्ध्वगामी प्रवाह मस्तिष्क में केंद्रित है। मस्तिष्क को मानवी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उस मर्मस्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाशाली बनता है। चेहरे के इर्द गिर्द छाए ओजस तेजोवलय को इस ऊर्ध्वगामी विद्युत का ही प्रतीक मानना चाहिए। जननेन्द्रिय मूल में काया का दक्षिणी ध्रुव स्थित है। ऊर्जा का अधोगामी प्रवाह यहीं केंद्रित होता है। यौनाकर्षण के पीछे यही प्रवाह काम करता है। भिन्न प्रकृति के होते हुए भी दोनों प्रवाहों में परस्पर संबंध है। कामातिरिक और काम विकार पर अंकुश की प्रतिक्रिया को क्रमश अधोगामी और ऊर्ध्वगामी प्रवाह को परिणति ही मानना चाहिए। प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही प्रखरता का द्योतक है। सैन फ्रांसिस्को के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉ अल्बर्ट अब्राहम के अनुसार मानवी काया को चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का भंवर कहा जाना चाहिए। उसमें भी पृथ्वी की भांति उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं जो विद्युत एवं चुंबकत्व के नियमों के अनुसार काम करते हैं। शरीर द्वारा ऊर्जा तरंगों के निष्कासन एवं ग्रहण का कार्य सतत चलता रहता है। अपने अनुसंधान निष्कर्ष में उन्होंने बताया है कि मनुष्य के शरीर से 80 अरब साइक्लस प्रति सेकंड की दर से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण होता रहता है, जबकि आकर्षण क्षमता इससे कई गुना अधिक है। मस्तिष्क, हाथ पैर की उंगलियां, नेत्र, जननेन्द्रिय आदि से इन ऊर्जा तरंगों का सबसे अधिक निष्कासन होता है। डॉ अब्राहम ने शरीर के विभिन्न अंगों से निकलने वाले इस ऊर्जा प्रवाह को मापने की एक विधि का विकास किया, जिसे चिकित्सा विज्ञान में रेडिस्थेसिया के नाम से जाना जाता है। आधुनिक बायोमेडिकल साइंस की मान्यता के अनुसार मनुष्य का स्वास्थ्य शारीरिक कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के सामंजस्य संतुलन पर निर्भर करता है। शारीरिक संरचना में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के अति सूक्ष्म परमाण्विक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। लाल रक्त कणों में भी लोहे की प्रचुर मात्रा होती है। सारे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाहित होते रहने से एक निश्चित विद्युत प्रवाह बनता है। इस प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही लौह तत्व विश्वव्यापी ऊर्जा का अवशोषण करके कोशिकाओं को विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की पूर्ति करता है। स्वस्थ कोशिकाओं की शक्ति भंडारण क्षमता अधिक होती है। इसमें कमी होने पर शरीर रोगग्रस्त होने लगता है, जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार शरीर में निर्धारित परिमाण में चुंबकीय क्षमता का होना पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी रूस के अनुसंधानकर्ता मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने डिटेक्टर के माध्यम से मनुष्य शरीर में स्थित जैव चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया है।
उनका कहना है कि किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में ये क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय हो उठते हैं, जिससे उनके लिए कभी कभी अनेक मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। जोनी माइकल एवं रॉबर्ट जे एम रिचर्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मिस्टीरियस फिनामिना में इस तरह की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को चुंबकत्व की बहुलता के कारण विचित्रताओं का शिकार होना पड़ा। कनाडा में कैरोलिना क्लेयर नामक एक ऐसी महिला थी जिसमें शरीर चुंबकत्व की अधिकता थी। ऑन्टोरियो मेडिकल एसोसिएशन के जांचकर्ता वैज्ञानिकों ने परखने पर पाया था कि जब वह आवेशित अवस्था में होती तो उसके शरीर से छुरे, कांटे, कौले जैसी लौह धातुएं चिपक जाती। इसी तरह अमेरिका के मेरीलैंड की एक छात्रा लुई हैबर्गर की उंगलियों के अग्रभाग में चुंबकीय गुण था। आधी इंच मोटी एक फुट लंबी लोहे की छड़ वह उंगलियों के पोरों से छूकर अधर में उठा लेती थी। धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं उसके हाथ से चिपक कर जाती थी। समीप आने वाले लोग उसमें एक विचित्र सा आकर्षण महसूस करते थे। मेरीलैंड कॉलेज ऑन फार्मेसी के अनुसंधानकर्ताओं ने उसकी इस क्षमता को जांचा, परखा और हर तरह से सत्य पाया था। कंपास निडल उसके समीप रखने पर रुक जाती थी। जोप्लिन मिसौरी के फ्रैंक मैकिंस्ट्री नामक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब वह चुंबकीय ऊर्जा से आवेशित होता तो चलते वक्त उसके पैर धरती से चिपक जाते, वह एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता। ऐसी आकस्मिक स्थिति में राहगीर ही उसकी मदद करते, उसके पैरों को छुड़ाते, तभी वह फिर से आगे बढ़ पाता। मनुष्य में अपना चुंबकत्व तो है ही, पर उसे न्यूनाधिक करने में उसके अपने प्रयत्न ही चमत्कार दिखाते हैं। सुप्रसिद्ध मनशास्त्री विक्टरी क्रोमर का कथन है कि मन शक्ति को केंद्रीभूत करके यदि इस शक्ति को किसी दिशा विशेष में प्रयुक्त किया जा सके तो बहिरंग में सम्मोहन प्रक्रिया दूसरों को तथा अंतरंग में स्वयं की सूक्ष्म शक्तियों को प्रभावित करने जगाने में सफलता मिल सकती है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में निवास करने वाले डॉ फ्रांसिस्कम एंटोनियस नेस्मर को सम्मोहन विद्या का जनक माना जाता है। अपने समय के वे प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे। एक बार चिकित्सा करते समय एक रोगी के शरीर से अत्यधिक रक्त बहने लगा। मेस्मर के पास उस रक्त प्रवाह को बंद करने की कोई औषधि नहीं थी। इस पर उन्हें उक्त स्थान पर अपना हाथ फिराना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों में चमत्कारिक ढंग से रक्त का रिसना बंद हो गया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने कई अन्य प्रयोग परीक्षण किए और सफल रहने पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य के शरीर में एक प्रकार की बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। ये प्रवाह उंगलियों के अग्रभाग से अधिक होता है जो रुग्ण स्थान पर हाथ फिराने से रोगी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। मेस्मर ने इस शक्ति प्रवाह को जैव चुंबक नाम दिया। वॉन हेलमांट ने इसी ऊर्जा शक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रोगियों पर सफल प्रयोग करने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। लोग उन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहने लगे थे। वस्तुतः मेस्मेरिज्म के प्रयोगों में प्रयोक्ता द्वारा अपने चुंबकीय विद्युत के सहारे दूसरों को सम्मोहित करने की प्रक्रिया संपादित होती है। इसी माध्यम से एक व्यक्ति का प्राण दूसरे में प्रवाहित होने लगता है तथा शारीरिक रुग्णता एवं मानसिक अक्षमता को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं, जिसमें प्रयोक्ताओं ने अपनी प्राण शक्ति से दूसरों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। जर्मनी के तानाशाह हिटलर का उसकी रुग्णावस्था में उपचार एस्टोनिया निवासी क्रिस्टन नामक एक चिकित्सक करता था। उसकी उंगलियों में दर्द दूर करने की चमत्कारिक क्षमता थी, जिनके स्पर्श से वह रोगियों को चंगा कर देता था। अभ्यास के द्वारा ही उसने ऐसी जादुई क्षमता प्राप्त की थी। हिटलर के अंतरंग मित्र हिमलर तक ने उससे कई बार अपनी चिकित्सा करवाई और रुग्णता के पंजे से मुक्ति पाई थी। क्रिस्टन ने अपनी क्षमता का हिमलर पर सदुपयोग करके उसके माध्यम से हिटलर के मृत्युपाश में जकड़े हुए लगभग 1,00,000 व्यक्तियों को छुटकारा दिलाया था। महामनीषी हिप्पोक्रेट्स को प्राण तत्व के प्रति असाधारण श्रद्धा थी। वे लिखते हैं, शरीर आत्मा की शक्ति से संचालित एवं नियंत्रित होता है तो उसकी प्रचंड प्राण शक्ति से रोगों का निवारण भी संभव है। स्कॉटलैंड के मैक्सवेल नामक विद्वान का भी विश्वव्यापी प्राण तत्व में अटूट विश्वास था। प्राण चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए उन्होंने एक केंद्र तक खोल रखा था। एस्कुलेपियस नामक एक यूरोपीय व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्तियों के रुग्ण अवयवों पर सांस छोड़कर और हाथों से थपथपाकर चिकित्सा करने में पारंगत था। इंग्लैंड के पादरी ड्विड को इस क्षेत्र में असाधारण ख्याति मिली थी। अनेक विद्वानों ने अपने साहित्य में उनकी इस विलक्षण क्षमता का वर्णन किया है। लंदन का लेनहर्ट नामक माली उंगलियों से छूकर रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रख्यात परमाणु विज्ञानी डॉ थेल्मामॉस एवं उनके सहयोगियों ने ऐसे कई व्यक्तियों को जांचा परखा है जो सम्मोहन द्वारा प्राण चिकित्सा करते हैं। उनमें से एक हैं किडनी स्पेशलिस्ट डॉ
मार्शल वार्शे, जिन्हें पाश्चात्य जगत में आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। उंगलियों तथा हाथ के स्पर्श से वे अब तक सैकड़ों रोगियों को नवजीवन प्रदान कर चुके हैं। सिरदर्द जैसी सामान्य बीमारियां उनके स्पर्श मात्र से दूर होती देखी गई हैं। काया में सन्निहित प्राण चुंबकत्व की खोज विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से की है और उसे बायोमैग्नेटिज्म, बायोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, बायोफ्लक्स आदि भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है। मनुष्य में इसका विशेष बाहुल्य होता है, जबकि वनस्पतियों एवं अन्य जीवधारियों में यह साधारण रूप से विद्यमान होता है। डॉम किलियत एवं थेल्मा मॉस जैसे वैज्ञानिकों ने किलियन तथा आर्गन फोटोग्राफी द्वारा इसके रंगीन चित्र भी खींचे हैं। थियोसोफिस्ट इसे इत्रिक डबल कहते हैं, जो शरीर के चारों ओर आवरण के समान विद्यमान है। अतीन्द्रिय क्षमता वाली विशेषताएं इसी चुंबकत्व पर निर्भर बताई गई है। प्राण चुंबकत्व को विकसित एवं परिष्कृत करने के ध्यान धारणा तथा प्राणायाम के कितने ही प्रयोग अपनी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप अपनाए जा सकते हैं, किंतु उससे भी अधिक अनिवार्य यह है कि इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह की नीति निष्ठा, जीवनचर्या अपनाकर ईश्वर प्रदत्त प्राण विद्युत के अपव्यय से बचे रहने की सतर्कता बरती जाए। Throughout history, there have been numerous examples of individuals who seem to possess an extraordinary magnetic presence. Figures like Cleopatra, whose charm and wit captivated powerful leaders, and Nikola Tesla, whose innovative mind drew people towards his groundbreaking ideas, are prime examples. In modern times, we see this phenomenon in influential leaders, charismatic celebrities, and visionary entrepreneurs. Their ability to attract and inspire others is a testament to the enduring power of human magnetism. So how can we harness this power in our own lives? There are several techniques that can help enhance your magnetic presence. First, develop a strong sense of self-confidence. People are naturally drawn to those who believe in themselves. Second, practice active listening. Showing genuine interest in others makes them feel valued and understood. Third, work on your body language. Open, relaxed, and confident postures can significantly boost your appeal. Finally, cultivate a positive mindset. Positivity is contagious and can greatly enhance your ability to attract and influence others. In conclusion, human magnetism is a fascinating and powerful phenomenon that has shaped history and continues to influence our modern world. By understanding and applying its principles, we can enhance our own ability to attract and inspire others. Remember, the key lies in confidence, genuine interest, positive body language, and a positive mindset. So go ahead and unleash your magnetic potential. Thank you for joining us on this journey into the captivating world of human magnetism.